हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओकिनावा प्रेस के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर्स या फॉल्ट्स की, जिसे मैंने अभी तक ओकिनावा प्रेस में नोटिस किया है। इन एरर्स को जानकर आप सरप्राइज तो होंगे ही, साथ में हो सकता है ये आपको बड़े फनी भी लगे। इसके अलावा हम इन एरर्स के पीछे की थ्योरी और इनके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा पर्पस किसी भी गाड़ी का मजाक उड़ाना नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि गाड़ी को डिजाइन और डेवलप करने में बड़ी मेहनत लगती है। मेरा ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं टॉप सरप्राइजिंग एंड फनी एरर्स ऑफ ओकिनावा प्रेस। फ्रेंड्स, मेरे आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं ओकिनावा के चार्जिंग पैटर्न की, जो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है। गाड़ी को खरीदने के कुछ दिन बाद ही जब मैंने गाड़ी को चार्ज करने के लिए लगाया, तो मैंने देखा कि गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है और चार्जर ग्रीन इंडिकेटर दे रहा है। जब इसके लिए मैंने अपने डीलर के सर्विस पर्सन से बात की, तो उसने मुझे बताया कि सर, आप उसके सॉकेट में से प्लग को निकालकर चार्जर को ऑन करते हुए उसको फिर से इंसर्ट करिए और आपकी गाड़ी की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये चीज मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगी। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि हर बार जब भी आप गाड़ी को चार्ज करने के लिए सॉकेट में प्लग लगाकर चार्जर ऑन करें, आपकी गाड़ी चार्ज नहीं होती है। कभी कभार आपको ऐसा भी करना पड़ता है कि आपको चार्जर को ऑन करते हुए रखते हुए ही इसके प्लग को निकालकर फिर से इंसर्ट करना पड़ता है और गाड़ी की चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो अब चलिए बात करते हैं इसके पीछे की थ्योरी की। काफी एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि जब आप गाड़ी की बैटरी को 90% से ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो आप जब भी इसके सॉकेट में प्लग लगाकर चार्जर को ऑन करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी गाड़ी की चार्जिंग नहीं होगी। उस कंडीशन में आपको हमेशा ही चार्जर को ऑन रखते हुए ही सॉकेट में प्लग इंसर्ट करना पड़ेगा और आपकी गाड़ी की चार्जिंग शुरू होगी। और जब आप गाड़ी की बैटरी को पूरा यूज नहीं करते, यानी कि सिर्फ 50-60% तक ही यूज करते हैं या कह लें डिस्चार्ज करते हैं, तब आपकी गाड़ी डायरेक्ट सॉकेट में प्लग लगाने पर चार्जर को ऑन करते ही चार्जिंग शुरू हो जाएगी। एक और एरर जो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगता है, वो है ओकिनावा प्रेस का चार्जर। ओकिनावा प्रेस के चार्जर में आपको चार एलईडी इंडिकेशन मिलते हैं, जो 25, 50, 75 और 100% की चार्जिंग को इंडिकेट करते हैं। शुरू शुरू में गाड़ी जब 25% चार्ज होती थी, तो रेड से एलईडी ग्रीन हो जाती थी। ऐसे ही जब 50% चार्ज हो जाती थी, तो एलईडी अगेन रेड से ग्रीन हो जाती थी। और ऐसे जब 100% चार्ज होने के बाद सारी एलईडी ग्रीन हो जाती थी। पर अभी कुछ समय से जब मैं गाड़ी को चार्जिंग में लगाता हूँ, तो गाड़ी सिर्फ 100% वाली एलईडी ही ग्रीन होती है, यानी कि बाकी तीनों एलईडी रेड ही रहती है। खाली गाड़ी जब पूरी चार्ज होती है, तो ग्रीन ही खाली 100% वाली ही ग्रीन होती है। अब बात करते हैं ओकिनावा प्रेस के आठवें एरर की, जो मुझे काफी सरप्राइजिंग और फनी लगता है, वो है ओकिनावा प्रेस का बैटरी लेवल इंडिकेटर। ओकिनावा प्रेस के बैटरी लेवल इंडिकेटर में 5 लेवल है। अगर जनरल थिंकिंग से सोचा जाए, तो अगर मेरी गाड़ी 150 किलोमीटर का ट्रेवल करती है, तो मैं मान सकता हूँ कि हर एक लेवल 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है और पांचों में लाके गाड़ी का 150 का इंडिकेशन होता है। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एग्जांपल के लिए, जब मैं गाड़ी को फुल चार्ज करने के बाद चलाता हूँ, तो जो मेरा सबसे टॉप लेवल है, वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर तक चलता है। उसके बाद टॉप का पांचों लेवल खत्म हो जाता है और लास्ट के 4 लेवल डिस्प्ले होते हैं। जब मेरी गाड़ी फर्दर 40 से 45 किलोमीटर का ट्रेवल और कर जाती है, तो ये चौथा लेवल भी खत्म हो जाता है और लास्ट के 3 लेवल डिस्प्ले होते हैं। तीसरे लेवल के लिए गाड़ी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर चलती है, उसके बाद लास्ट के 2 लेवल और सेकंड लेवल के लिए गाड़ी करीब 10 से 14 किलोमीटर चलती है। इसके खत्म होने के बाद गाड़ी खाली लास्ट लेवल में 4 से 6 किलोमीटर तक चलती है। यानी कि जब आप शुरू शुरू में इस गाड़ी के लिए नए होते हैं, तो इसके लेवल इंडिकेटर से आपको गाड़ी की ट्रेवल रेंज का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। धीरे धीरे आपको आदत पड़ती है, लेकिन लास्ट तक ये काफी कंफ्यूजिंग होता है और इसके ट्रेवल का आपको इसके लेवल इंडिकेशन से आइडिया नहीं मिलता है। खाली आपको इसके किलोमीटर रन से ही इसके एग्जैक्ट ट्रेवल का आइडिया मिलता है। तो यहाँ पर कंपनी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और ये जरूरी है कि कंपनी किलोमीटर परसेंटेज में बैटरी को डिस्प्ले करे, जिससे कि एक का इजी हो जाए, राइडर के लिए बड़ा इजी हो जाए कि गाड़ी की बैटरी की एग्जैक्ट ट्रेवल रेंज को जान पाए। ओकिनावा प्रेस का अगला सरप्राइजिंग एरर है इस गाड़ी की ब्रेकिंग के कारण बैटरी लेवल इंडिकेटर में सडन चेंज का। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, मैं अपनी ओकिनावा प्रेस को बैटरी के सेकेंड लेवल में रन कर रहा हूँ और जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ, तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कारण जो पावर रिप्रोड्यूस होता है, उससे मेरी गाड़ी के
बैटरी लेवल में सडन इंक्रीज होता है और वो गाड़ी का बैटरी लेवल 2 से बढ़कर सीधा 4 हो जाता है, जो कि शुरू के रनर के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि भैया ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी की बैटरी एकदम से चार्ज हो गई है। पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, थोड़ा सा ही यानी कि 25-30 मीटर तक चलाने के बाद वापिस से वो चौथे लेवल से गिर कर बैटरी लेवल इंडिकेटर सेकेंड लेवल पे आ जाता है। तो शुरू शुरू में ये राइडर के लिए बड़ा सरप्राइजिंग और फनी होता है, जहां पर कंपनी को काम करना चाहिए और थोड़ा सा इसकी सेंसिटिविटी को कम करना चाहिए। ओकिनावा प्रेस का अगला यानी कि छठे नंबर का एरर है, वो है इस गाड़ी का स्पीडोमीटर। इस गाड़ी के स्पीडोमीटर में तकरीबन 10% के आसपास का एरर है, यानी कि इस गाड़ी की एक्चुअल स्पीड वर्सेस डिस्प्ले स्पीड में तकरीबन 10% का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप गाड़ी को 67-66 की स्पीड में चला रहे हैं, तो एक्चुअल में गाड़ी की स्पीड 60 के आसपास होगी और स्पीडोमीटर में 67-66 के आसपास का डिस्प्ले होगा। ये प्रॉब्लम ओकिनावा आई प्रेस में कंपनी ने काफी हद तक दूर कर ली है, पर पुरानी ओकिनावा प्रेस की सभी गाड़ियों में प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। ओकिनावा प्रेस का पांचवें नंबर का फॉल्ट मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था। गाड़ी लेने के कुछ दिनों बाद ही मेरी गाड़ी के फ्रंट डिस्क से एक एबनॉर्मल आवाज चालू हो गई थी। ये आवाज सिर्फ 30-40 की स्पीड में ही आती थी, यानी कि जब मैं गाड़ी को 30 के नीचे चलाता था और 40 के ऊपर चलाता था तो ये एबनॉर्मल साउंड एकदम बंद हो जाता था और 30-40 के बीच में एबनॉर्मल साउंड बढ़ जाता था। गाड़ी को 2-3 बार डीलर के पास ले जाने के बाद मुझे डीलर ने बताया कि इस गाड़ी की ब्रेक प्लेट बेंड हो गई है और उसे रिप्लेसमेंट करने के बाद मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम बंद हो गई। ओकिनावा प्रेस का अगला फॉल्ट है ओकिनावा प्रेस की एमसीबी ऑटो ट्रिपिंग। कुछ दिन पहले मैंने नोटिस किया कि मेरी गाड़ी की एमसीबी अपने आप ट्रिप हो रही थी। मेरी गाड़ी कुछ देर ट्रेवल करती और पता चलता रास्ते में एमसीबी अपने आप ट्रिप हो गई है। फिर मैं गाड़ी को सीट को ओपन करता, उसकी एमसीबी को ऑन करता, फिर थोड़ी दूर जाता और गाड़ी ट्रिप हो जाती। जब मैं इस गाड़ी को अपने डीलर के पास लेके गया तो उसने मुझे बताया कि इस गाड़ी की एमसीबी खराब हो गई और गाड़ी की एमसीबी को बदल दिया। हालांकि गाड़ी की एमसीबी बदलने के बाद अभी तक मुझे ये प्रॉब्लम वापस नहीं आई है। इस गाड़ी की एमसीबी को लेकर मैंने एक और सरप्राइज फेस किया है। गाड़ी को चार्जिंग में लगाने के बाद जब आप गाड़ी को ऑन करने के लिए एमसीबी को पुश करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपकी एमसीबी अपने आप फिर से ट्रिप हो जाती है। सेकेंड टाइम जब आप वापस से पुश करते हैं तो आपकी गाड़ी ऑन होती है। यानी कि फर्स्ट टाइम में जब आप करंट का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है तो अपने आप ही एमसीबी ट्रिप हो जाती है और सेकेंड टाइम में थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने के बाद ही एमसीबी ऑन होती है। ओकिनावा प्रेस का दूसरे नंबर का फॉल्ट है इस गाड़ी के कॉन शॉट में से आने वाले एक एबनॉर्मल साउंड की। जब भी इस गाड़ी के दोनों ब्रेक्स को लगाने के बाद आप गाड़ी को हल्का सा आगे की तरफ पुश करते हैं तो आपको इसके हैंडल यानी कि कॉन शॉट में से एक कट कट की एक एबनॉर्मल आवाज आती है। इसको लेकर मैं डीलर के पास 2-3 बार गया, उसने भी कॉन शॉट के चेक नट्स को सेट करके इस आवाज को कम करने की कोशिश की, पर अल्टीमेटली फिर वो कम नहीं कर पाया और उसका यही जवाब था ये इस गाड़ी का डिजाइन एरर है जो अभी तक मेरी गाड़ी में अनसॉल्वड है और ये आवाज कई बार मुझे डिस्टर्ब भी करती है। ओकिनावा प्रेस का अगला और लास्ट डिजाइन एरर है इस गाड़ी के रेयर सस्पेंशन में से आने वाली एबनॉर्मल साउंड की। जब भी मैं मेरी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर पर या किसी गड्ढे में से रन करता हूँ तब मेरे रेयर सस्पेंशन में से एक एबनॉर्मल साउंड आती है। जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मैंने पाया है कि मेरी गाड़ी की चेसिस और रेयर सस्पेंशन के बीच में एक जॉइंट बोल्ट लगा हुआ है जो दोनों के बीच के मूवमेंट को अलाउ करता है। इस बोल्ट में ना तो बुश है और ना ही बेयरिंग्स है, सिर्फ ऑयल और ग्रीस ही है। जब तक ये ऑयल और ग्रीस रहता है तब तक ये आवाज़ आपकी नहीं आती है, लेकिन उसके बाद इसके खत्म होने के बाद फिर से आवाज़ आना चालू हो जाती है। तो यहाँ पर कंपनी के डिजाइन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ताकि आने वाली आवाज़ कम हो पाए। मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की हर संभव कोशिश करें ताकि हम अपने देश और दुनिया से पॉल्यूशन कम कर सकें। साथ ही मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे जा रहे लिंक को फॉलो करके आप मेरे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं।